रेवाड़ी डीएमसी उदय सिंह के दिशा निर्देशन में ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका यादव के नेतृत्व में मां भारती फाउंडेशन के स्वयंसेवकों के साथ बाबा लोड स्थित शहीदी स्मारक के प्रांगण में स्वच्छता अभियान चलाया गया। डीएमसी ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। डीएमसी ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में युवाओं की ये सराहनीय पहल है। सभी युवा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका यादव ने बताया कि आज मां भारती फाउंडेशन संस्था के साथ मिलकर युवाओं ने शहीदी स्मारक को साफ किया। यह अभियान एक जन आंदोलन है जिसमें सभी की भागीदारी आवश्यक है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जो भी स्वयंसेवक या आमजन हमारे अभियान से जुड़ना चाहते हैं वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह अभियान केवल किसी विभाग व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब का अभियान है और हम सबको मिलकर इसे सफल बनाना है। संस्था के प्रधान सौरभ डागर ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने में सभी युवाओं को आगे आना चाहिए। यह हम सब का नैतिक दायित्व है और हमें इसे निभाना चाहिए। वहीं विशेष सहयोगी राकेश भार्गव ने कहा कि युवाओं का यह अभियान काफी सराहनीय है। नई पीढ़ी अपने सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे, ये हमारे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। इस अभियान में स्वयंसेवक अंकित, बलजीत, कुणाल, मंजीत डागर, दीपांशु महेश, सुमित, संदीप, जीतू महेश, जितेंद्र नेत्रपाल, कृष्ण सबरवाल, कृष्ण दीपक गोठवाल आदि भी उपस्थित रहे। हमारा एक स्वच्छता अभियान था जो हमारे साथ यूथ वॉलंटियर्स जुड़े हैं और ये मां भारती फाउंडेशन के साथ के संयुक्त तत्वाधान में हमने कैंपेन चलाया और हमारे साथ 15 से 20 वॉलंटियर्स यूथ जो थे वो हमारे साथ इस अभियान में जुड़े। और हमारा जो ये वॉर मेमोरियल है, यहाँ का जो प्रोमिसेस है, यहाँ हमने आगे देखा कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, बहुत सारे पेड़ पौधे के साथ पत्ते यहाँ पे बारिश की वजह से चिपके हुए हैं। तो सभी वॉलंटियर्स ने बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े डेडिकेशन के साथ इसको साफ किया और उसके बाद एक मैसेज है ये उन सभी लोगों के लिए कि जो अपने जो स्वच्छता अभियान है, अपने घर की सफाई तो सभी करते हैं लेकिन ये जो वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से आज हमारे बीच में आए। पहले मैडम का और जो भी यहाँ पहुँचे उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी के साथ हमारी टीम पहले भी अपने इसी अभियान पर काम करती रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है फिलहाल, क्लीन रेवाड़ी, ग्रीन रेवाड़ी पर हम काम कर रहे हैं। आज ही उस साइड से भी आ रहा है क्योंकि काफ़ी कफ यहाँ पड़े मिले हैं। दूसरा, पेड़ों की वजह से काफ़ी समय से यहाँ ऐसा लगता है सफाई ना हुई हो, तो इसलिए हमने यहाँ देखा भाई जब शहीदों का ईमान सम्मान नहीं हो रहा तो और जगह जाने से तो हमें पता होगा आप भी घूमते फिरते रहते हो, बहुत बुरी हालत में रहेगी भी समाज। आज ही टीम माँ भारती फाउंडेशन के साथ मैडम है हमारे साथ, स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, नगर परिषद से भी आई हुई है टीम और बातवाद साहब भी हमारे साथ है। सबसे पहले इसकी सफाई का है क्योंकि देखने से ऐसा लगा कि भाई यहाँ सफाई काफ़ी समय से नहीं है और इसके आसपास भी इन सब लोगों को अवेयर करने का है कि भाई यहाँ पर कूड़ा ना फैलाएं, कोशिश करेंगे यहाँ पर ना फैलाएं। और इसके साथ साथ क्योंकि अभियान अभी आगे है कि बरसात भी आ रही है तो बरसात को देखते हुए कि पेड़ भी लगाए जाएँ, पेड़ लगेंगे तो मेरा मानना यह है कि आगे हरियाली और साथ में ऑक्सीजन काफ़ी मिलेगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही अति आवश्यक है। और दूसरा, जितने भी हमारे ऐसे मेमोरियल्स हैं इसकी भी आगे साख और भी ज़्यादा बढ़ती है कि हमने बना तो दिए अपने शहीदों की याद के अंदर, तो शहीदों का याद करने का है कि अगर सफाई होगी तो लोग बाग भी अंदर श्रद्धा से आएंगे और अपने श्रद्धा से। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से विशालपुरी की रिपोर्ट।